रस्ता रहा है। गृह मंत्रालय के मुताबिक डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम देश में टेरर फंडिंग, नार्को टेरर, ड्रग्स स्मगलिंग और फर्जी करेंसी का व्यापार कर आतंक फैलाने का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, दाऊद की डी कंपनी लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अलकायदा के जरिए भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रही है। भारत की खुफिया एजेंसियां समय समय पर दाऊद के बारे में नई नई जानकारियां जुटाती आई हैं और पिछले साल NIA ने उसकी नई तस्वीरें भी जारी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, दाऊद इब्राहिम को लेकर के खबर सामने आई है कि उसे कराची में जहर देकर के मारने की कोशिश की गई, अस्पताल में भर्ती है और इस वक्त इलाज जारी है। दो संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, विशाल पांडे न्यूज रूम से हमारे साथ और डिटेल्स रिपोर्ट के साथ जुड़ चुके हैं, जितेंद्र शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख कर रही हूं मैं, दाऊद को लेकर के वक्त वक्त पर इस तरीके की खबरें सामने आती रही हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार सबूत इकट्ठा करती रही हैं, खबरें हमने लोगों तक पहुंचाया भी है दाऊद को लेकर के, इस बार जो खबर सामने आई है इस पे क्या कहते हैं आपके विश्वसनीय सूत्र? देखिए, इससे पहले जो दाऊद को लेकर की खबरें आ रही थी उसमें सबसे पहली खबर थी कि उसकी किडनी फेल हो गई है, यानी कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसके पीछे किसी एजेंसीज का या जो जिस तरह से बातें की जा रही हैं उस तरह की कोई हाथ नहीं थी। हालांकि इसके बाद एक जरूर वाकया जरूर आया था कि जब दाऊद इब्राहिम जो अपने घर पर रहता है, जो काफी सिक्योर एरिया है, वहां पर दो शूटर्स थे जिन्होंने गोलीबारी की थी, जिसके बाद दाऊद को वहां से निकाल करके सेफ हाउस में ले जाया गया था जो कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से था। तब जरूर ये पता लगा था कि दाऊद को पाकिस्तान आर्मी जो है सेफ हाउस में ले गई है ताकि जो जो शूटर्स है वो वहां पर इस तरह की वारदात ना कर दे। तो वो एक पहला डर था जब दाऊद को देखने को मिला था, क्योंकि ये बालाकोट स्ट्राइक के ठीक बाद ये इंसिडेंट हुआ था और उसी के बाद डर का माहौल पैदा हो गया था। आज की जो खबर आई है, बताया जा रहा है कि कल सवेरे की ये घटना है जब दाऊद इब्राहिम सस्पेक्टेड पॉइजन, यानी कि उसको जहर देने की बात की जा रही है, और उसी के बाद गंभीर हालत में उसको कराची के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अस्पताल के जिस फ्लोर पर उसको दाखिल कराया गया है उस पूरे फ्लोर को खाली कर दिया गया है और वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम है। जो भारत की एजेंसी है उनका कहना है कि ये खबर बिल्कुल सही है, लेकिन इससे बड़ा सवाल सिर्फ यही आता है कि जब पाकिस्तान डिनायल मोड में है, वो ये मानता ही नहीं है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो इस बात को लेकर के पुष्टि कौन करेगा? क्योंकि भारत लगातार सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस पाकिस्तान ने दाऊद की हिफाजत के लिए अपनी फोर्स को तैनात किया हुआ है, उसी पाकिस्तान में उसे जेल में जहर देने की खबरें जो सामने आ रही हैं, कौन है वो शख्स जो उसे मारना भी चाहता है? हमारे साथ विशाल भी न्यूज रूम से बने हुए हैं। विशाल, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, आपके पास क्या जानकारी है इस खबर को लेकर के? देखिए, अगर हम पाकिस्तान की मीडिया को देखें, वहां के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखें, तो साफ तौर पे दावा किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को एक अज्ञात शख्स की तरफ से जहर दिया गया है और फिलहाल दाऊद इब्राहिम कराची के एक अस्पताल में भर्ती है जहां उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। क्योंकि जिस तरह से दाऊद इब्राहिम को ये बिल्कुल पुष्टि के साथ कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में उसको शह मिली हुई थी, ISI उसको लगातार सिक्योरिटी दे रही थी और कराची के बहुत ही पॉश इलाके में दाऊद इब्राहिम रहा करता था। पाकिस्तान भले ही इसे खुले पर स्वीकार न करे, लेकिन इस सत्य को पूरी दुनिया जानती है और पाकिस्तान हमेशा से जो आतंकवादी हैं, जो चाहे वो UN के द्वारा उन्हें सूचीबद्ध किया गया हो, उन लोगों को कभी स्वीकार नहीं करता कि उनके देश में है। लेकिन यहां पर दाऊद इब्राहिम को लेकर यह खबर आ रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, अज्ञात शख्स के द्वारा दिया गया, इस तरह की खबर आ रही है। शुरू से संरक्षण पाकिस्तान देता रहा आतंकवादियों को और मोस्ट वांटेड लिस्ट में यह शामिल है दाऊद इब्राहिम, हिंदुस्तान के, न सिर्फ हिंदुस्तान के, कई मुल्कों के भी, लेकिन इसके बावजूद भी अब ये पाकिस्तान की तरफ से लगातार वो पाकिस्तान इस चीज को डिनाई करता रहा है, ये जग जाहिर है, जैसा कि आप विशाल बता भी रहे, जितेंद्र ने भी बताया है, संरक्षण उसे उस मुल्क में शुरू से दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, दोनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बीती रात एक मिनी बस चालक ने एक शख्स को काफी दूर तक घसीटा है। ये शख्स